कर्म बंधन क्या है? एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देते समय अच्छे और बुरे के बारे में समझाया जाता है, लेकिन कर्म बंधन इससे कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। सदगुरु, जो एक योगी तथा दिव्यदर्शी है, इन प्रश्नों की चर्चा करते हुए एक आध्यात्मिक जिज्ञासु के जीवन में कर्म बंधन की भूमिका को स्पष्ट कर रहे हैं। प्रश्न: कर्म बंधन क्या है? क्या कर्म बंधन के कई प्रकार हैं? वे हम पर कैसे असर डालते हैं? सदगुरु कहते हैं, आप जिसे मेरा जीवन कहते हैं, वह एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा है जो एक निश्चित मात्रा की जानकारी से नियंत्रित होती है। आजकल की शब्दावली के अनुसार इस जानकारी को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जीवन ऊर्जा की एक खास मात्रा से सूचना की एक खास मात्रा जुड़ी होती है। इन दोनों के मिलने से जो सूचना तकनीक बनती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनती है, वो ही आप हैं। आप में भरी गई एक खास प्रकार की जानकारी के कारण आप एक विशेष प्रकार के इंसान बन जाते हैं। जो प्रभाव अतीत में जीवन पर पड़े हैं, वो आपके जन्म से कहीं पुराने हैं। लेकिन अगर आपके वर्तमान के बोध के अनुसार देखें, तो आपके जन्म से आज तक आपके माता पिता कैसे थे, आपका परिवार कैसा था, आपको कैसे शिक्षा मिली, धार्मिक और सामाजिक रूप से आप पर कैसे प्रभाव पड़े, आपके आसपास किस तरह की सांस्कृतिक वास्तविकताएं थी, ये सभी प्रभाव आपके भीतर गए हैं। कोई दूसरा व्यक्ति अलग होता है क्योंकि उसके अंदर गई जानकारी अलग प्रकार की थी। यही कर्म बंधन है। यह सूचना, यह जानकारी पारंपरिक रूप से कर्म बंधन या कर्म शरीर या कारण शरीर कहलाती है, वह जो जीवन का कारण बनती है। ये सूचनाएं कई अलग अलग स्तरों पर होती है। इसके चार आयाम हैं, जिनमें से दो अभी प्रासंगिक नहीं है। सही ढंग से समझने के लिए हम बाकी के दो के बारे में बात कर सकते हैं। एक है संचित कर्म, ये एक तरह से कर्म बंधनों का भंडार है, जिसमें एक कोशिकीय जीव और निष्प्राण पदार्थों तक के भी कर्म शामिल है, अर्थात वहां तक जहां से जीवन विकसित हुआ है। सभी सूचनाएं वहां जमा है। अगर आप अपनी आंखें बंद कर ले, पर्याप्त मात्रा में जागरूक हो जाए और अपने अंदर देखें, तो आपको ब्रह्मांड की प्रकृति का पता चल जाएगा। इसलिए नहीं कि आप अपने दिमाग के माध्यम से देख रहे हैं, बल्कि इसलिए कि इन सारी सूचनाओं ने ही आपके शरीर का निर्माण किया है। यह शरीर सृष्टि की रचना के समय से लेकर आज तक की सूचनाओं का भंडार है। यह आपका संचित कर्म है। लेकिन इस भंडार से आप खुदरा रिटेल कारोबार नहीं कर सकते। ऐसे कारोबार को करने के लिए आपके पास एक दुकान होनी चाहिए, वो जो इस जीवन के लिए खुदरा दुकान है, उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध वह सूचनाएं हैं जो आपको इस जीवन के लिए प्रदान की गई है। आपके जीवन में कितना कंपन है, किस स्तर की हलचल है, उसके हिसाब से जीवन अपने लिए आवश्यक सूचनाएं निर्धारित करता है। सृष्टि अत्यंत करुणामयी है। अगर वो आपको आपके सभी कर्म बंधनों की सारी सूचनाएं एक साथ दे दे, तो आप मर जाएंगी। अभी भी बहुत से लोग मात्र 30 से 40 वर्ष के अपने इस जीवन की स्मृतियों से ही कष्ट में रहते हैं। अगर उन्हें इन स्मृतियों का 100 गुना दे दिया जाए, तो वे सह ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रकृति आपको प्रारब्ध देती है। सिर्फ उतनी मात्रा में कर्म बंधन, उतनी ही सूचनाएं जो आप संभाल सके। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, तो आप कहते हैं,
मुझे अपने अंतिम मंजिल पर पहुंचने की जल्दी है। अब आप 100 जन्म नहीं चाहते, और अगर आपको और 100 जन्म लेने पड़े तो आप इतने कर्म बंधन बना लेंगे कि वो अगले 1000 जन्मों तक चलेंगे। लेकिन आप इस सब को खत्म करना चाहते हैं। तो जब आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है, अगर आपको एक खास ढंग से दीक्षित किया जाए तो ऐसे आयाम खुल जाते हैं जो इसके बिना ना खुलते। अगर आप आध्यात्मिक न होते तो आप एक ज्यादा शांतिपूर्ण जीवन जी रहे होते, लेकिन वह जीवन तक उद्देश्यहीन, जीवन विहीन जीवन होता, जीवन की बजाय मृत्यु के अधिक निकट होता। अपने अंदर कोई भी मूल परिवर्तन किए बिना आप शायद बस आराम से जीकर चले जाते। तो इसका अर्थ क्या यह है कि जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं तो आपके साथ सब नकारात्मक बातें ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। बात बस ये है कि तब जीवन बहुत ही तीव्र गति से चलता है, आपके चारों ओर के लोगों के जीवन की गति से बहुत ज्यादा तेज, जो आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बस त्रासदियां ही हो रही हैं। वास्तव में आपके साथ कोई त्रासदी नहीं हो रही होती, बात बस इतनी है कि उनका जीवन सामान्य गति से चल रहा है, जबकि आपका जीवन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, फास्ट फॉरवर्ड पर है। कुछ लोगों को यह गलत फहमी होती है कि जब आप एक आध्यात्मिक मार्ग पर आ जाते हैं तो आप बहुत शांतिपूर्ण हो जाते हैं एवं आपके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। सुविधाजनक विचार पद्धति पर रहने वाले और एक ही ढर्रे पर सोचने वालों को सब कुछ स्पष्ट लगेगा, लेकिन अगर आप वाकई आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो आपके लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा, बल्कि सब कुछ धुंधला होगा। आप जितनी तेजी से जाएंगे चीजें उतनी ही धुंधली होती जाएंगी। कुछ साल पहले मैं जर्मनी में था और कार्यक्रम पूरा होने के बाद मुझे फ्रांस जाना था, जो 440 किलोमीटर दूर था। मैं जहां पर था वहां से सामान्य रूप से 5 घंटे की यात्रा थी। मैं रास्ते पर 5 घंटे बिताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कार की गति काफी बढ़ा दी और हम लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चल रहे थे। उस भाग में ग्रामीण क्षेत्र बहुत सुंदर था और मैंने सोचा था कि मैं उसे देखने का आनंद लूंगा, पर जब भी मैं आंखें घुमाता था तो सब कुछ धुंधला दिखता था और मैं रास्ते पर से एक क्षण से ज्यादा नजर हटा नहीं सकता था। बर्फ गिर रही थी और हम बहुत तेज गति से जा रहे थे। तो जब आप तेज गति से जाते हैं तब सब कुछ धुंधला दिखता है और आप जो कर रहे हैं उस पर से दृष्टि नहीं हटा सकते। अगर आपको ग्रामीण दृश्यों का आनंद लेना है तो आराम से और धीरे धीरे जाना होगा, पर यदि आप अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में हैं तो आपको गति बढ़ानी होगी और आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे, आप बस जा रहे होंगे। आध्यात्मिक मार्ग भी ऐसा ही है। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो आपके चारों ओर सब कुछ गड़बड़ होगा, उल्टा सीधा होगा, लेकिन आप फिर भी गतिमान रहते हैं तो यह ठीक है। क्या यह ठीक है? अगर यह ठीक नहीं है तो आप आराम से मानवीय विकास दर पर चल सकते हैं, पर तब शायद आपको वहां पहुंचने में लाखों साल लग जाए। उनके लिए जो जल्दी में है एक प्रकार का मार्ग होता है, और जो जल्दी में नहीं है उनके लिए अलग ढंग का मार्ग होता है। आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप आखिर चाहते क्या हैं। आप अगर तेज गति के मार्ग पर हैं पर धीरे चलते हैं तो आप गाड़ी के नीचे आ जाएंगे,
यदि आप धीमी गति के मार्ग पर है पर तेज चल रहे हैं तो आपका चालान हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक जिज्ञासु को यह तय कर लेना होगा कि वह बस मार्ग का आनंद लेना चाहता है या मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहता है। संपादकीय टिप्पणी, मिस्टिक्स म्यूजिंग्स पढ़िए और सदगुरु की गहरी अंतर्दृष्टि तथा असीम बुद्धिमत्ता का लाभ पाइए। लेकिन यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। हमारे डर, क्रोध, आशाओं और संघर्षों के परे वाली वास्तविकताओं से जुड़े उत्तरों से भरपूर ये पुस्तक आपका मार्गदर्शन करती है। सदगुरु के साथ इस यात्रा पर कई बार हम तर्कों की सीमाओं पर लड़खड़ाते हैं, डगमगाते हैं, पर जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म बंधन और स्व की यात्रा के बारे में प्रश्नों के उनके उत्तर हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। नमस्कारम।